अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू बेहद दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला है, क्योंकि इस मुल्क में धर्म के नाम पर सियासत तो की जाती है, पर कैसे धर्म के नाम पर बेवकूफ़ भी बना जाता है, इसे समझने की जरूरत है। कुछ ऐसी खबरें जिन पर नजरसानी करना जरूरी है, उसमें से एक है कि गौशालाओं का हाल। और अभी हाल ही में खबरें जिस तरह से दस्तियाब हो रही है, इसे देखते हुए लगता है कि धर्म, मजहब, गोरक्षा, गौशाला या फिर बीफ सिर्फ एक ही समाज को हिरासा करने के लिए ही है क्या। हाल ही में ये भी देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर साधुओं को बच्चे चोरी के इल्जाम में पीटा भी जा रहा है, तो कई जगहों पर भगवा लिबास पहनकर फर्जी बाबा बनकर असमत रेजी के घिनौने कारनामे भी अंजाम दिए जा रहे। भगवा लिबास पहनने से कोई भी जुर्म माफ हो जाता है, किस तरह की एक ज़हनियत लोगों में आवाम में बढ़ती हुई देखी जा रही है। लिहाजा मुस्तकिल बीफ मामले, चिंग फिर धर्म तब्दीली के मामले को लेकर भी ईसाइयों के साथ मुसलमानों को भी अक्सर निशाना बनाया गया है। अब तो मजहब तब्दीली का कानून रियासत कर्नाटक में महज कुछ ही दिन पहले मंजूर भी किया गया। खैर, आज इन तमाम बातों का जिक्र इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अब हुकूमतों की जानिब से मुसलमानों को परेशान करने के लिए नया कानून निकाला गया। वैसे भी इस मुल्क में नए नए कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही निकाले जाते हैं, इस पर अमल भी किया जा रहा है। अब रियासती हुकूमतों ने मदरसों को निशाना बनाते हुए मदरसों का सर्वे करने का फैसला लिया है, और ये फिलहाल आसाम के बाद उत्तर प्रदेश में भी जारी है। सिर्फ मदरसों तक मामला न रुकते हुए ये और भी आगे बढ़कर मुस्लिम तालीमी इदारों को भी निशाना बनाने की फिराक में ये हुकूमतें हैं। लेकिन अब मदरसों को सर्वे के बहाने निशाने पर लिया गया है, आखिर मदरसों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। वैसे भी एक अरसे से मदरसों को दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर बदनाम तो किया जा रहा है। वैसे जवाब तो बहुत आसान है, जो भी मुसलमानों का इदारा, तंजीम, मदरसा, स्कूल मजहबी शनाख्त है, इसे मौजूदा दौर के हुकूमतों को तकलीफ होती है। कल ही अदालत में हिजाब मामलों को लेकर बहस हुई, अब तो अदलिया भी कैसे फैसले सुना रहा है देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने हिजाब की हिमायत में दलील पेश करते हुए कहा कि जब दिगर मजाहिब के लोग तिलक, पगड़ी, चूड़ियां, क्रॉस पहनकर स्कूल, कॉलेजेस जा सकती हैं, तो फिर मुसलमानों पर एतराज क्यों, और मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर ही सवाल क्यों, और वो क्यों नहीं पहन सकती। अदालत का फैसला मनमाना होने का इल्जाम भी उन्होंने लगाया। लिहाजा मदरसों को एक अरसे से दहशतगर्दी के अड्डों के तौर पर नैरेटिव चलाया जाता रहा, मीडिया तो उसमें पेश रही, जबकि सभी जानते हैं कि मदरसों को मुसलमानों के पैसों से चलाया जाता है, सरकारी पैसों से नहीं। मदरसों के लिए मस्जिदों में जाकर ऐलान करके रुपये जोड़ दिए जाते हैं, और यहाँ किसी दहशतगर्दी के सबक नहीं सिखाए जाते, अल्लाह की किताब को पढ़ा जाता है और हाफिज जालिम बनाए जाते हैं। पर संगी सोच और फिक्र के लोगों ने हमेशा इस्लाम को बदनाम करते हुए दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश बारह की है, और इसी नैरेटिव के चलते मुसलमानों को लेकर समाज में नफरत फैलाने का काम भी किया गया और आज भी जारी है। अगर देखा जाए तो हुकूमत संघ की शाखों में सरकारी रुपया इस्तेमाल करती है, जो आवाम के टैक्स से हासिल किया जाता है। अब तो सरकारी दफ्तरों में अलग अलग त्योहारों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा खर्च भी किया जा रहा है। जिन सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, पहले वहां का तो सर्वे किया जाए। आखिर मदरसे में सर्वे करने की जरूरत क्या है। गौशालाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जहां सैकड़ों गायों की मौत खाना न होने की वजह से हो रही है, और ये सच्चाई है, और आपको ऐसी खबरें आए दिन देखने को भी मिलती है। खैर, ये मीडिया उस पर कवरेज नहीं देती, ये अलग बात है। आज ही की खबर को देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, बैदरपुर अयोध्या की है। यहाँ गौशाला है जहां पर गाय के कंकालों को पिकअप वैन में डालकर बेचा जा रहा है। यूपी के एक और गांव हिसार में आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महज 16 महीने में 10,000 से भी ज्यादा गायों की मौत होने की खबर हासिल है। सिर्फ एक ही जगह पर 1,000 से भी ज्यादा जानवरों की लाशों को पाया गया। इन तमाम आंकड़ों को इसलिए पेश करना पड़ रहा है कि जिस मदारिस में कौम के खर्चों पर जाती अखराजात देखे जाते हो, वहां सर्वे की जिद जानबूझकर की जा रही है, और जहां हुकूमत अरबों रुपया गौशालाओं के नाम पर खर्च कर रही है, वहां क्यों सर्वे नहीं किया जा रहा। अगर एखाद कोई दहशतगर्दी के जुर्म में मुलविस पाया जाता भी है, वैसे तो मदारिस का इससे कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन अगर पाया जाता है तो क्या पूरे मदरसों पर बुलडोजर चलाओगे। मैं कुछ ही दिन पहले भारत की फौज में भी पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचाने वाले राम सिंह और नितिन यादव को गिरफ्तार किया गया, तो क्या फौज पर ही शक किया जाएगा, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। इससे पहले भी कई वाक्य इस तरह के पेश आए, लिहाजा जिस तरह मदरसों के सर्वे की तहरीक हुकूमतों की जानिब से तेज की जा रही है, सिवाय मुसलमानों को हिरासा करने के और कुछ नहीं है। आज एक और खबर जो सनसनीखेज कह सकते हैं, एक साल पहले हुई महंत गिरी के घर का ताला सीबीआई की जानिब से खोला गया, तो घर के अंदर 3 करोड़ रुपए नगद और जेवरात मिले।
जहां मदारिस पर छापेमारी करने की बात करने वालों को इधर भी तवज्जो देनी होगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम जुमेरात को प्रयागराज के बागम्बरी मठ पहुंची। सीबीआई ने जब महंत के कमरे को खोला तो बहुत कुछ मिला जो उमूमन मदरसों में नहीं मिलता। यहाँ 13 कारतूस, 3 करोड़ रुपए नकद और जेवरात मिले। इस खबर को बताने का मतलब भी यही है कि जहाँ चंदा इकट्ठा करके मदरसे चलाए जा रहे हैं, वहाँ तहकीक, तफ्तीश और सर्वे करने के बजाय जहाँ गैर कानूनी कामों को धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, जहाँ जुर्म के अड्डे बनकर पनप रहे हैं, वहाँ होना चाहिए। दीन अमन की तालीम देता है, हजार कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि फर्जी दलाइल पेश किए जाए एक समाज को निशाना बनाने के लिए, और क्या क्या करने की फिराक में फिरका परस्त है, ऐसा सवाल भी अब अकलियती तबके के जहनों में आ रहा है। इतना तो जरूर है कि मदरसे का सर्वे सिर्फ मुसलमानों को हिरासा करने की साजिश है और कुछ नहीं। आज बलगाम में ईसाई और दलित तंजीमों की जानिब से मेथोडिस्ट चर्च की मिल्कियत को बेचने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया गया। इस वक्त कसीर तादाद में लोग शरीक रहे और डीसी बलगाम को इन्होंने मुतालबा पेश किया। आज एक और खास खबर की मुस्लिम नौजवानों की जानिब से इंसानियत का पैगाम देते हुए महज 10 साल की लिंगायत लड़की की लाश का उनके आखिरी रसूमात के तहत अंजाम देते हुए अंतिम संस्कार किया गया। यह वारदात वीरभद्रनगर बेलगाम में पेश आई। विद्याश्री हेगड़े के हादसे में मौत हो गई। महज 10 साल की विद्याश्री फूल तोड़ने के वक्त गिर गई, जख्मी हुई। लिहाजा मुस्लिम नौजवानों ने उसे जख्मी हाल में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मौत वाकई हो गई। कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं थे, तो मुस्लिम जमात के जिम्मेदारों ने और नौजवानों ने इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए सदाशिव नगर लिंगायत शमशान में आखिरी रसूमात को अंजाम दिए। इस मामले की चर्चा पूरे शहर में की जा रही है और मुस्लिम नौजवानों के काम को सराहा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।